देखिए खोड़ा में इस पानी को लेकर बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है, ये समझ लीजिए मूंछ की लड़ाई चल रही है साहब। यहाँ पे 80% वोटर भारतीय जनता पार्टी का इस खोड़ा के अंदर रहता है। लगातार पिछले 7 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल के लोग हों, हम सबको बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस पानी की लड़ाई में अपनी राजनीतिक जो द्वेष की भावना उसको दूर करके इस पानी की लड़ाई में हमारा सहयोग करें। तो कहीं ना कहीं योगी जी को खोड़ा की सही जानकारी नहीं है कि खोड़ा की आज जो स्थिति है, जो दुर्गति है, उसके मूल कारण क्या है और उस दुर्गति के मूल लोग कौन है जिनके कारण से आज खोड़ा की जनता यहाँ से माइग्रेट कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ 1200 फुट पे आज पानी पहुँच चुका है। आज हम इनसे DM साहब से हमने बोला है कि जिस कॉलोनी के अंदर कोई सुविधा नहीं, वहाँ एड्रेस नहीं, महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र नहीं, बच्चों के लिए 12वीं तक का स्कूल नहीं, वहाँ आप कैसे हाउस टैक्स ले रहे हैं? तो जब कॉलोनी के अंदर विकास नहीं है तो हाउस टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है? तो जनता को ये समझना पड़ेगा। अगर जो जनप्रतिनिधि सही काम करता है उसका सहयोग करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसका बायकॉट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसे काले झंडे दिखाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। जहां देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है और दिल्ली में लगातार राजनीतिक दल आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक तस्वीर ऐसी भी मैंने आपको दिखाई थी कि दिल्ली के ठीक बगल में नगर पालिका परिषद खोड़ा गाजियाबाद है और 5.5 लाख रुपए की बोरिंग वो भी यहाँ पर फेल हो गई, यानी कि 550 फुट बोरिंग करवाई गई, 5 लाख रुपए उसमें लगे और वो बोरिंग भी फेल हो गई, पानी नहीं निकला। त्राहिमाम कर रही है खोड़ा नगर पालिका परिषद की जनता। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक जोशी, जो लगातार पानी की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज दीपक जी जोशी से बात करेंगे। दीपक जी, आपने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले आप यहाँ से साइकिल द्वारा लखनऊ जा रहे थे लेकिन लखनऊ तक यात्रा पहुँच नहीं पाई, बीच से ही आपको वापस आना पड़ा, क्या है सब चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ पत्रा के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार हम लोग पिछले 6-7 साल से इस खोड़ा में पानी की लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं और अभी नवंबर माह में हमने एक आमरण अनशन, 13 दिन का आमरण अनशन किया था, जिस आमरण अनशन पे माननीय विधायक जी आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और इस आश्वासन के आधार पर हमने उस कार्यक्रम को रद्द करके और लखनऊ हम लोग गए थे। नगर विकास मंत्री से हमारी वहाँ बैठक हुई और बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि 1 महीने के बाद आपको एक खुशखबरी मिलेगी और उसके बाद 253 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि 8 महीने बीतने के बाद भी आज तक उस 253 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या हुआ अभी तक कोई नहीं बता पा रहा हमारे को। और अभी 15 जून को हम लोगों ने यहाँ से तय किया था कि खोड़ा से लखनऊ हम लोग जाएंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है 17 तारीख रात 1:30 बजे हमें अमरोहा में रोक लिया गया और हमें गाजियाबाद SDM साहब थे उसमें और ACP साहब थे, उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री ऑफिस से कॉल आई है और आपकी मांगों को मान लिया गया है, जिसे लेकर आज 19 तारीख को हमारी वार्ता DM साहब से कराई गई और 19 तारीख को जो DM साहब ने हमें बताया, जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि भाई 1 से 1.5 महीने के अंदर खोड़ा के अंदर टेंडर खोल दिए जाएंगे और 18 महीने यानी मान के चलिए 2 साल के अंदर खोड़ा के अंदर पानी का काम शुरू होगा या पानी आएगा XY जो है। लेकिन आज भी हमने उनको ये बोल दिया कि साहब हम पिछले 7 वर्षों से आश्वासन सुनते सुनते खोड़ा की जनता भी त्रस्त और हम भी त्रस्त हो गए हैं और उनको हमने सारी जानकारी दी, हो सकता है उनके पास पहले भी जानकारी रही है, खोड़ा के अंदर एक ज़िले के मालिक हैं, 1200 फुट पे वंदना इंकले बिहारी मोहल्ला में 1200 फुट पे पानी आज की डेट में नहीं आ रहा है, 7 लाख रुपये की बोरिंगें हो रही हैं, लंबी ये लगा लीजिए स्थिति इतनी डेंजर हो चुकी है कि खोड़ा से अब जनता माइग्रेट बड़ी तेज़ी से हो रही है, कोई इंदिरापुरम Phase 3 में शिफ्ट हो रहा है। तो हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं और जिन भी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं वो कहते हैं जी पानी तो हम ही देंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे कि आखिर पानी कब तक देंगे। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। दीपक जोशी, एक बात बताइए, आपने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि से आप मिलते हैं वो कहते हैं पानी हम ही देंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ठीक बगल में दिल्ली है, यहाँ से अगर मैं मयूर विहार की बात करूँ तो 2 किलोमीटर के बाद मयूर विहार शुरू हो जाता है जो दिल्ली की सीमा में लगता है। दिल्ली में इस वक्त त्राहिमाम मच रहा है क्योंकि केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम
सांसद हों, नेता हों, वो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, वो इस वक्त लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यूपी में आपको ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि खोड़ा सबसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जहाँ पे सांसद कह सकते हैं कि बीजेपी सभी अभी चुने गए हैं और वो मंत्री भी पहले रहे, मेडिकल मंत्री रहे वो, उसके बाद जो अभी हमारे वर्तमान में विधायक हैं वो खुद अभी उनको मंत्रालय मिला गया है कैबिनेट में, उनको भी जगह दी गई है। इधर यदि बात करें निर्दलीय एक प्रत्याशी जीती हैं, तो आखिर क्या लग रहा है आपको कि यहाँ राजनीति हो रही है या फिर लगता है कि सच में कोई चाहता है कि भाई पानी आए, या उसको राजनीतिक तौर पर सिर्फ यहाँ वोट बटोरने के लिए ये एक मुद्दा छोड़ दिया गया है कि बस पानी लाना नहीं है, तारीखें बतानी है। देखिए खोड़ा में इस पानी को लेकर बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है, ये समझ लीजिए मूंछ की लड़ाई चल रही है साहब। यहाँ पे 80% वोटर भारतीय जनता पार्टी का इस खोड़ा के अंदर रहता है। लगातार पिछले 7 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल के लोग हों, हम सबको बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस पानी की लड़ाई में अपनी राजनीतिक जो द्वेष की भावना उसको दूर करके इस पानी की लड़ाई में हमारा सहयोग करें। केआरए के साथ ना जाएं, अपनी पार्टी का झंडा डंडा उठाएं और नगर पालिकाओं का घेराव करें, आप जनप्रतिनिधियों का घरों का घेराव करें, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि खुलकर हमारे इस मुद्दे पर, इस पानी के मुद्दे पर क्षेत्र की जनता की तरफ कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, जैसे भी आपने कहा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ताबड़तोड़ धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो आज फिर कह रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि समस्त जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हों उनको खुलकर आ जाना चाहिए, क्योंकि कल को वोट जनता ही आपको देगी। आप सोचें कि भाई जनता को आप बरगला कर, जनता को आप झूठ बोलकर अगर बार बार आप वोट नहीं ले सकते, कांच की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि अभी आपने देख लिया निकाय चुनाव में क्या हालात हुए हैं। और इस बार भी 32% वोट खोड़ा के अंदर हुआ है और इससे आगे और भयावह स्थिति होने वाली है। अगर जनप्रतिनिधि खोड़ा के अंदर पानी के विषय और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जनता उनको आईना दिखाना भली भांति जानती है। मैं अभी हाल फिलहाल में एक खबर को पढ़ रहा था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी ने सहायता मांगी कि उनका एक क्षेत्र है जो यूपी से टच है और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मुख्यमंत्री योगी जी ने तुरंत वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या लग रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, क्या योगी जी तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, योगी जी तक बातें नहीं पहुँच पा रही हैं, लग रहा है कि CM जो बैठे हैं उनको यहाँ की भयावह स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराया जा रहा है उनके मंत्रियों की तरफ से, या फिर जनता की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच पा रही, रीज़न क्या आप समझते हैं? क्योंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी ने तो उस जगह पर पानी दे दिया जहाँ कभी 70 सालों में पानी नहीं पहुँच पाया। देखिए विनोद जी, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय योगी जी को खोड़ा के बारे में सही से जानकारी नहीं दी जा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि यहाँ मूंछ की लड़ाई हो रही है। एक व्यक्ति समझता है अगर पानी आ जाएगा तो फला व्यक्ति को उसका श्रेय चले जाएगा, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि 12 लाख की आबादी आज त्राईमाम कर रही है। योगी जी स्वयं गाजियाबाद में आ के 2 बार इस पानी के लिए बोल के गए थे, पानी तो हम ही देंगे, लेकिन आपने उन तस्वीरों को उस वीडियो को नहीं देखा होगा कि एक व्यक्ति पीछे से आकर उनकी जेब में पर्ची डाल के जाते हैं और माननीय योगी जी उस पर्ची को पढ़कर बोल देते हैं कि खोड़ा को पानी हम ही देंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जी को खोड़ा की सही जानकारी नहीं है कि खोड़ा की आज जो स्थिति है, जो दुर्गति है, उसके मूल कारण क्या है और उस दुर्गति के मूल लोग कौन है जिनके कारण से आज खोड़ा की जनता यहाँ से माइग्रेट कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ 1200 फुट पे आज पानी पहुँच चुका है, पानी का दोहन यहाँ हो रहा है, NGT के नॉर्म्स की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नॉर्म्स हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा योगी जी को अभी यहाँ से यहाँ की जो सही जानकारी वो नहीं है, क्योंकि अभी हम जब लखनऊ गए थे आमरण अनशन के बाद लखनऊ गए थे, माननीय नगर विकास मंत्री जी को जब हमने बताया कि खोड़ा के अंदर पाइपलाइन द्वारा पानी नहीं है, तो माननीय नगर विकास मंत्री जी चौंक गए थे, क्या वाकई में खोड़ा के अंदर पानी नहीं है? जब उनको हमने बताया कि खोड़ा की सीमा के अंदर 2 पानी की टंकी है जिसका पानी नोएडा अथॉरिटी पी रही है, और कल को जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके लिए खोड़ा की जनता पीसेगी, तो वो चौंक गए। उनको हमने दिखाया कि खोड़ा का जो TDS है 3500 से 5000 का TDS है और उस पानी से यहाँ पर चर्म रोग हो रहे हैं, यहाँ कैंसर हो रहे हैं, यहाँ लोगों को थायराइड हो रहे हैं, तो वो देख के चौंक गए कि इतनी भयावह स्थिति खोड़ा के अंदर है। जब एक राज्य का नगर विकास मंत्री इस बात को कह रहा है तो आज समझ लीजिए कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।
क्या लगता है आपकी आज डीएम साहब से भी बात हुई है, गाजियाबाद के डीएम से आप मिले, आज फिर आश्वासन मिला या फिर मजबूत आश्वासन मिला कि हाँ भाई जो उन्होंने कहा वो पूरा होगा या फिर एक नया आंदोलन आप शुरू करेंगे? हालांकि आप पर भी आरोप ये लग रहा है कि आप आंदोलन जो कर रहे हैं वो सेटिंग से हो रहे हैं, आपके आंदोलन बीच में फेल हो जाते हैं, आप लखनऊ जा रहे थे अमरोहा से वापस आ गए। देखिए विनोद जी, जिस दिन से मैंने ये आंदोलन शुरू किया है, आंदोलन शुरू करने से पहले मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे जिस दिन से मैंने आंदोलन किया मैं अपने परिवार अपने बच्चों को समय नहीं देता हूं। मैं पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ इस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं। इस आंदोलन को चलाने के दौरान मुझे 3 दिन डासना में बंद करवाया गया है जनप्रतिनिधियों ने। इस आंदोलन के दौरान मेरे ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगवाई गई है, मेरे मकान का ताला तोड़वाया गया है। तो मैं इस आंदोलन को कर रहा हूँ। जो लोग ये बोलते हैं वो उनका अपना थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इट डजेंट मैटर हमारे लिए। लेकिन हमारा ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक खोड़ा के 12 लाख लोगों के घरों में नल से जल न आ जाए, हमारा आंदोलन, हमें अभी भी क्या क्या है, हमारा आंदोलन पोस्टपोन नहीं होगा। हमारी कल से फिर बैठक शुरू होनी है, हमारा खोड़ा में लोगों से जनसंवाद शुरू होने वाला है। तो हमारा आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक पानी नहीं आएगा। ठीक है, वो एक जिले के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी, उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से जो टेक्निकल पॉइंट है उन्होंने हमें बताया, उन टेक्निकल पॉइंटों को हमने जनता के सामने रखा पारदर्शिता के तरीके से, भाई इन्होंने हमें ये बताया और ये चीज़ है। लेकिन हमारा आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा, ये आज हमने वहाँ मीडिया में भी बोल दिया, वहाँ अधिकारियों के सामने बोल दिया। जिस दिन खोड़ा के नल से जल निकलना शुरू हो जाएगा उस दिन हम खोड़ा इस मुद्दे को, आंदोलन को हम समाप्त करके हमारा नया विषय फिर से शुरू हो जाएगा। क्या समझते हैं, बड़ी भयावह स्थिति खोड़ा की होती जा रही है, आपने कहा कि लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए हैं, कर भी रहे हैं। मैं भी 2 दिन पहले ही मैंने एक तस्वीर दिखाई कि लगभग वार्ड नंबर 29 में 550 फुट बोरिंग की गई और वहाँ पर पानी 650 फुट, अगले दिन मैं जब मैंने रिपोर्टिंग की वहाँ पर, उसके अगले दिन भी 100-150 फुट और ज़्यादा नीचे गया, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आया, उन्होंने मशीन हटा ली और 5 लाख का उसमें खर्चा था, 2.5 लाख रुपये वो लेकर मशीन वाले चले गए। क्या समझते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं खोड़ा की, इस जनता की गलती क्या है और क्या लग रहा है कि खोड़ा की जनता को सच में पानी मिल पाएगा या फिर ये राजनीति का मुद्दा ही बना रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो खोड़ा के अंदर अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। खोड़ा के लोग, उसमें हम भी इंक्लूड हैं, खोड़ा की जो जनता है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टी और नेताओं के चक्कर में इस प्रकार से उनके मकड़ जाल में फंस गई है। आज ये जो पानी के विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ चंद परसेंट लोग एक ह्यूमर खोड़ा के अंदर फैलाते हैं कि KRA की टीम जो खोड़ा के अंदर काम कर रही है वो सरकार के विरोध में काम कर रही है। जो लोग घरों से निकलना चाहते हैं, आंदोलन में आना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। आज भी हमने कई लोगों को मैसेज किया था कि चलिए आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए कि DM साहब क्या जानकारी देते हैं, लेकिन कई लोगों को खोड़ा में रोका गया कि वहाँ न जाइए। और रही पानी आने की बात, पानी तो 100% देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसे तो हम छीन के लेंगे कि पानी कैसे नहीं देंगे। आज हम इनसे DM साहब से हमने बोला है कि जिस कॉलोनी के अंदर कोई सुविधा नहीं, वहाँ एड्रेस नहीं, महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र नहीं, बच्चों के लिए 12वीं तक का स्कूल नहीं, वहाँ आप कैसे हाउस टैक्स ले रहे हैं? तो जब कॉलोनी के अंदर विकास नहीं है तो हाउस टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है? तो जनता को ये समझना पड़ेगा। अगर जो जनप्रतिनिधि सही काम करता है उसका सहयोग करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसका बायकॉट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसे काले झंडे दिखाने चाहिए, सही मायने में तो ये है। लेकिन दुर्भाग्य, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। चुनाव आते हैं, चुनाव के पीछे हम झंडे और ढंडे लेके नेताओं के पीछे लग जाते हैं, उनकी जयजयकार करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए। इसीलिए 40 साल पुरानी कॉलोनी आज भी विकास के लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष जारी रहेगा? नहीं, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप वार्ड नंबर 18 में ज़रूर जाइएगा, वहाँ 1200 फुट पे पानी बिल्कुल नहीं है। बोरिंग वाला जब भी बोरिंग करता है वो पहले शर्त होती है कि इस गली में, इस कूचे में अगर पानी नहीं आएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वहाँ से, कई लोग माइग्रेट होकर इंदिरापुरम भी जा चुके हैं। आप लोग
तो खोड़ा कॉलोनी की स्थिति ये हो चुकी है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे ऐसे वार्ड हैं यहाँ पर जहाँ पर 1200 फुट, आप समझिए 1200 फुट, यानी सोच कर भी कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ आती है कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 फुट पर भी बोरिंग जब करने के लिए मशीन आती है तो वो पहले निश्चय कर लेता है कि भैया पैसे देने पड़ेंगे, पानी निकले या ना निकले। और इसी स्थिति को देखते हुए इस वक्त जिस तरीके की भयावह स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ के लोग पलायन को मजबूर हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार यहाँ की जनता उम्मीद लगाए हुए है, उनसे गुहार लगा रही है कि अमृत योजना में खोड़ा नगर पालिका को शामिल कर लें और खोड़ा नगर पालिका परिषद की जनता को इस भयावह स्थिति से बाहर निकालें और कहीं ना कहीं नगर पालिका में पानी की जो स्थिति है, पानी का जो काम है वो शुरू कराया जाए। यहाँ पर नगर पालिका परिषद खोड़ा में पानी देने का काम या फिर पानी डालने की लाइन डालने का कार्य शुरू किया जाए। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम के साथ विनोद शर्मा, नगर पालिका परिषद खोड़ा से।